हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इन टुडेज वीडियो वी विल आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यूजिंग इंस्टाडे एफएनओ फीचर ऑफ एंजल वन। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए चलते हैं एंजल वन की एप्लीकेशन में। हम एंजल वन की एप्लीकेशन के होम पेज में आ चुके हैं। इंस्टा ट्रेड एफएनओ के ऑप्शन के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, देन यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हम सेम विंडो पे चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंडल स्टिक को यूज़ में ले सकते हैं, और तो और अपने फेवरेट इंडिकेटर को भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी पोजिशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी आप सेम विंडो पे देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी स्टॉक या शेयर का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी का चार्ट लग चुका है। निफ्टी ने आज लास्ट ट्रेड लिया है 17,663। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को साइन कर रखा है, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट है 17,649 का, देन हमारा दूसरा सपोर्ट है 17,590 का, देन हमारा तीसरा सपोर्ट है 17,523 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस है 17,700 का, देन हमारा दूसरा रेजिस्टेंस 17,751 का, देन हमारा तीसरा रेजिस्टेंस 17,800। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी के मार्केट में एक अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिला, और साथ ही साथ 17,620 के लेवल से हमें करेक्शन करता हुआ निफ्टी का मार्केट दिखाया। जस्ट इन केस अगर कल की डेट में निफ्टी के मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, देन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा 17,700 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा 17,751 का, और इसके साथ हमें निफ्टी मार्केट में बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। और अगर मार्केट में कल की डेट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 17,649 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे की तरफ सस्टेन कर जाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 17,590 का, और इसके साथ हमें निफ्टी मार्केट में बेयरिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। ये तो बात हो गई निफ्टी के, चलिए अब हम बैंक निफ्टी को चेकआउट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी में टैप करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट लग चुका है। बैंक निफ्टी ने लास्ट रेट लिया है 42,265। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को साइन कर रखा है, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है 42,172 का, देन हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल है 42,007 का, देन हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल है 41,813 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल 42,362 का, देन हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल है 42,525 का, देन हमारा तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल है 42,726 का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी का मार्केट हमारे पहले सपोर्ट के लेवल जो कि है 42,172 है, हमारे पहले रेजिस्टेंस के लेवल जो कि है 42,362 के बीच में ही कंसोलिडेट किया है। इन केस अगर कल के डेट में मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा 42,362 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा 42,525 का, और इसके साथ हमें बैंक निफ्टी के मार्केट में बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। और अगर मार्केट में कल के डेट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 42,172 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे की तरफ सस्टेन कर जाए, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हो जाएगा 42,007 का, और इसके साथ हमें बैंक निफ्टी के मार्केट में बेयरिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। किसी भी स्टॉक या शेयर को बाय करने से पहले उसका कंप्लीट एनालिसिस जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड बुलिश जा सकता है, देन आप बाय कॉल करें। इन केस अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड बेयरिश रह सकता है, देन आप बाय पुट करें। बाय कॉल करने के लिए बाय कॉल के बटन पे क्लिक करूंगा, देन यहां से स्ट्राइक प्राइस सेव करके नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा, देन यहां पे एंटर लॉट टाइप करना होगा। जितना भी लॉट आपको लेना वो आप टाइप करेंगे। मुझे दो लॉट लेना तो मैं दो टाइप करूंगा। उसके नीचे आपको लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जिस भी ऑर्डर में आपको लेना है, उसमें आप टॉगल को रख के आगे प्रोसीड करेंगे। मुझे लिमिट में लेना है, मैं लिमिट में रख के आगे प्रोसीड करूंगा। नीचे आपको बाय का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ कन्फर्म बाय। कन्फर्म में आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी तक आपने एंजल वन की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करें।